मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रेडिसन होटल के कैफे में नए साल के मौके पर आयोजित पार्टी में दो गुटों के बीच लड़ाई हुई थी। अब आरोपी पक्ष के परिवार के लोग सामने आए हैं। उन्होंने एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि रिजर्व टेबल पर बैठने को लेकर जज के बेटे और आरोपी बनाए गए पंकज चौहान के बीच विवाद हुआ था, जो कि रिटायर्ड जज रतन कुमार वर्मा के बेटे यश वर्मा ने पंकज चौहान और उसके दोस्त अविनाश सिकरवार सहित पांच लोगों पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं पंकज चौहान के परिवार का कहना है कि पंकज भी इस झगड़े में गंभीर घायल हुआ था, लेकिन पुलिस ने क्रॉस मामला दर्ज नहीं किया। इस मामले में एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा ने कहा कि निष्पक्ष जांच की जाएगी। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। हमने मांग ये की है साहब, जो भी स्पष्ट बात है उसको क्लियर बताएं कि हमारी ओर से एफआईआर हमने फुटेज पेश कर दी, वायरल हुई, वो फुटेज मिल गई है। तो हमने बताई है कि श्रीमान इसमें फरियादी पक्ष ने जो कहा है यश वर्मा, उन पर एफआईआर नहीं की गई है और हमारे ऊपर उल्टी 307 की एफआईआर की गई है। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि पंकज चौहान नीचे पड़े हैं, जो लात घूसों से 10-15 लोग उनको मार रहे हैं। उसके बाद यश वर्मा ने उनके सर पे बोतल भी मारी है, वो भी फुटेज में क्लियर दिख रहा है। एसपी साहब ने टीम गठित कर दी है, 4-5 दिन की टाइम मांगा है कि उन पे एफआईआर करने के लिए कहा है। 1 जनवरी को इसी साल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक 307 की एफआईआर दर्ज हुई थी। कुछ न्यू ईयर पार्टी के दौरान कुछ जो युवकों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसी में जो एफआईआर में जो आरोपी पक्ष है उसके घर वाले एक आवेदन लेके आए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज कैमरे की रिकॉर्डिंग उन्होंने एज ए साक्ष्य इसमें आवेदन के साथ संलग्न की है। इसमें जो भी एविडेंसेज उन्होंने दिए हैं उनको हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे और जो भी साक्ष्य अनुसार इसमें जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा और इस पूरे प्रकरण में एक SIT भी गठित की जा रही है ताकि एक त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई इसमें हो।